अंजू कुमारी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगिनिंग फॉर लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज हमने जो हमारा एनसीईआरटी का हम चैप्टर कर रहे थे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, है ना, उसमें हमारा, मैंने आपको एटमॉस्फेयर का भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और हमारा जो लिथोस्फेयर है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो सिर्फ आज जो हमारा एक तीसरा जो मेजर डोमेन बचा है अर्थ का वो है जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाइड्रोस्फीयर से भी सीटेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें से जो मेजर हमारे महासागर हैं, ओशियंस जो हैं, वहाँ से आपसे जो है वो कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम ये शुरू करते हैं। और वैसे तो मैंने यहाँ इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, पर हिंदी मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे देना है, तो उसकी टेंशन की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, हाइड्रोस्फीयर मतलब जो भी पानी का हिस्सा है हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, चाहे वो रिवर्स में हो, ओशन में हो, सीज में हो, मतलब महासागर, समुंदर, नदियों, तालाबों में, इवन जो हमारे पानी के जो भाप होती है ना, जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो सारा जो भी पानी का हिस्सा है वो सारा हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी का 70, जो हमारे कुल हम बात करें पृथ्वी पे, तो 71% जो है वो पानी ही है यहाँ पर, ठीक है, और 29% जो है वो लैंड है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, के अलग अलग फॉर्म्स में जो वाटर है वो पाया जाता है, और अलग अलग मतलब कि जगहों पर पाए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे ओशियन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और इवन मैंने आपको बताया कि वाटर वेपर्स में भी जो होता है वो पानी ही होता है। तो आपको जो ओवरऑल एक बात समझने की ज़रूरत है वो इतना कि पृथ्वी पर जितना भी जो पानी है, पानी का जो हिस्सा है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे मैं आपको पहले ये मैप दिखा देती हूँ, ठीक है, जैसे अभी आप ये मैप देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, अभी जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं ये, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये एशिया है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट हैं। इनको, कॉन्टिनेंट को छोड़ के जो जितना एरिया आपको पानी का दिख रहा है इस मैप में, वो सारा हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, मतलब भूमि का हिस्सा जितना भी है उसको छोड़कर जो पानी वाला हिस्सा है वो सारा हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है, अगले इसमें हम बात करेंगे कि अभी हमारे देखो पृथ्वी पर 71% पानी है, फिर भी अभी भी देखो क्या डिस्कस होता है कि पानी की कमी है, क्यों, क्योंकि 97% जो वाटर है वो समुंदर, महासागरों में है, और महासागरों में होने का मतलब क्या है कि वो नमक वाला पानी है, तो पीने के लिए पानी हमारे पास जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है, मतलब 3% जो वाटर बचा वो रिवर्स वगैरह में है, मतलब जहाँ हम पी सकते हैं पानी, बट उसमें भी एक और समस्या है कि जो पानी है वो गंदा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कितना फैक्ट्रीज़ का कचरा निकलता है, वैसे हम ह्यूमन बीइंग्स भी इतना कचरा नदियों वगैरह में डालते रहते हैं, तो इसलिए पीने का पानी बहुत ही कम है। 3% अगर पानी मौजूद भी है जो सॉल्टी नहीं है, नमक वाला नहीं है, तो वो भी पूरी तरह से साफ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो हमारे हाइड्रोस्फीयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे महासागर, यानी जो हमारे ओशियंस हैं, जहाँ से आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम पैसिफिक महासागर की बात करेंगे, पैसिफिक महासागर यानी हमारा जो प्रशांत महासागर है उसे हिंदी में पैसिफिक महासागर, पैसिफिक ओशियन को हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि पैसिफिक ओशन इज़ द लार्ज ओशियन, कि जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। हमारे मेनली 5 महासागर हैं, और सबसे पहले हम पहले महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हमारे मतलब ये 1/3 पार्ट पे फैला हुआ है हिस्से के, मतलब सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक महासागर है, ठीक है। और हमारे पृथ्वी का जो सबसे गहरा हिस्सा है मौरियाना ट्रेंच, जैसे आप इसमें लिख देख सकते हैं मौरियाना ट्रेंच, यानी मौरियाना गर्त, जो पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है वो भी प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है, ठीक है। और जो प्रशांत महासागर है वो थोड़ा सा वृत्ताकार यानी सर्कुलर है, ठीक है, द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन इट्स शेप,
ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा मतलब वृत्ताकार है। तो आपको पैसिफिक ओशन में याद रखना है, प्रशांत महासागर में मेनली जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये सबसे बड़ा महासागर है। मोरियाना ट्रेंच जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है वो भी प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है और ये सर्कुलर है। ठीक है, और हम लोग इसमें अब बात करेंगे कि और कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं इसके सराउंडेड में, मतलब इसके आसपास हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एशिया हो जाएगा, ये सारे नॉर्थ में हैं इसके। ठीक है, उत्तर दिशा में पढ़ते हैं, और साउथ में जैसे अमेरिका वगैरह है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको मैप पे देखेंगे तो मैं आपको भी मैप पे दिखाती हूँ। ठीक है, जब हम इसके मैप पे देख लेते हैं पूरी, देखो जैसे अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे तो ये इसमें राइट हैंड पर अगर आप देखें तो ये पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ है, और लेफ्ट हैंड पे भी पैसिफिक ओशियन कि सबसे बड़े भाग में फैला हुआ है ये ओशियन। ठीक है, तो अभी देखो हम इसके अगर नॉर्थ की बात करें तो ये देखो एशिया है यहाँ पर, है ना, ये देखो ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये साउथ अमेरिका, ये सब जगह है मतलब ये वाला ओशियन। ठीक है, तो अब हमने पैसिफिक ओशियन के बारे में बात की। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको उसके बारे में तो सारी डिटेल जो है वो बता दी। ठीक है, अब हम लोग जो अगली बात करेंगे, हमारा जो सेकंड सबसे बड़ा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। इसे हिंदी में भी अटलांटिक महासागर ही कहते हैं। ठीक है, मैं आपको उसके मैप पे दिखा देती हूँ। अब देख रहे हो यहाँ ये पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है ना, उसके बाद ये पैसिफिक ओशन ये साउथ अमेरिका देखो येलो वाले हिस्से में ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए, तो ये लिखा है अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन, तो ये अटलांटिक ओशन जो है दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, अटलांटिक ओशन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और एस जैसे आकार का है, जो हमारे इंग्लिश का जो वो होता नहीं हमारा अक्षर एस, उसके तरह दिखता है ये। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा ऐसा ओशन है जो एस के शेप जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और बाकी देखो इसके नॉर्थ में और साउथ में बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो मैप पे हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे ये देखो आपको दिख रहा है अटलांटिक है ना, देखो ये है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नॉर्थ में, नॉर्थ में देखो ये नॉर्थ अमेरिका वगैरह है। ठीक है, और इधर देखो अफ्रीका वगैरह इसके पास में पड़ता है, साउथ अमेरिका इसके पास में पड़ता है, यूरोप वगैरह है, मतलब इन सबसे घिरा हुआ ये महासागर है। ठीक है, तो और दूसरा सबसे बड़ा महासागर, ये भी आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो इसका कोस्ट लाइन है, मतलब जो इसका जो हम कहते हैं ना कि समुद्र का जो किनारा जैसा होता है ना, तो जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है। इंडेंटेड, ये देखो आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ इंडेंटेड। इंडेंटेड को हिंदी में कहते हैं दंतुरित, मतलब दंतुरित है, इसलिए ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेड होता है, व्यापार होता है। ठीक है, बहुत ही बिजिएस्ट एक ये समुंदर है अटलांटिक। तो अटलांटिक महासागर में आपको जो है इतनी सी बात याद रखनी है कि दूसरा सबसे बड़ा है, एस के आकार का है ये। ठीक है, और सबसे ज़्यादा व्यापार अटलांटिक महासागर में ही होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपना जो अगला हमारा ओशियन है, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर से हिंदी में कहते हैं। और हिंद महासागर क्यों इसे कहते हैं, क्योंकि हमारे देश भारत हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम पड़ा है हिंद महासागर, इसलिए इसे हिंद महासागर कहते हैं। और इसकी दूसरी जो एक विशेषता है, जो फीचर है मेन याद रखने वाला, कि ये ट्राई एंगुलर है, मतलब त्रिभुजाकार इसकी शेप है थोड़ी सी। ठीक है, और अगर नॉर्थ में हम लोग मैप पे मैं इसको समझाती हूँ जैसे हमें ईजिली समझ में आएगा, है ना। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, ये देखो इंडियन ओशियन, ये भारत के नीचे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियन ओशियन, तो ये ट्रायंगुलर है, मतलब एक त्रिभुजाकार जैसा दिख रहा है। ठीक है, और देखो इसकी अगर हम नॉर्थ की बात करें तो एशिया है, यहाँ पर इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, वेस्ट में अफ्रीका है, तो ये सारे मतलब एरिया जो है वो इसके पास हैं। ठीक है, अभी तो इंडियन ओशियन के बारे में यही मेन बात है। ठीक है, और अब हमारा बचा साउथर्न ओशियन। साउथर्न ओशियन क्या है कि जो दक्षिण महासागर से हिंदी में कहते हैं, जो हमारा अंटार्कटिका है ना, जो एंड में जाके है, जैसे आपको एक मिनट में आपको मैप पे समझाती हूँ, तो ये वहाँ पाया जाता है, मतलब बिल्कुल ही जैसे ये देखो साउथर्न ओशियन लिखा हुआ है, अंटार्कटिका ना हमारे एंड में, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है हमारा, जो महाद्वीप है ईस्ट के ऊपर, देखो साउथर्न ओशियन है। ठीक है, तो अंटार्कटिका के पास पाया जाता है। उसके बारे में कोई खास ज़्यादा विशेषता नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स वगैरह हैं, बर्फ़ वगैरह यहाँ पर पूरा टाइम रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है।
आपको मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो पूछे जाते हैं जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो हमारा लास्ट ओशियन है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आर्कटिक ओशियन के बारे में क्या है कि ये जो है वो आर्कटिक सर्कल है जो हमारा, आर्कटिक मतलब जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर ये पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव के पास में है ये। ठीक है, और जो हमारा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर है उसके साथ में जुड़ा हुआ है एक छोटी सी स्ट्रेट के द्वारा। स्ट्रेट क्या होती है, जल संधि कहते हैं उसे। ठीक है, जल संधि क्या होती है, पानी का एक संकरासा यानी नैरो सा पाथ, संकरासा जो रास्ता होता है उसे स्ट्रेट या जल संधि कहते हैं, उससे ये जुड़ा हुआ है। और उस जल संधि का नाम क्या है जिससे आर्कटिक ओशियन और हमारा जो पैसिफिक ओशियन है वो आपस में जुड़े हैं, वो है बेरिंग, बेरिंग जल संधि। ठीक है, हिंदी में भी इसे बेरिंग जल संधि ही कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको उसे मैप पे समझाना चाहूँ तो एक मिनट आप रुकिए, मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ उसे। एक स्थल संधि होती है और एक जल संधि भी होती है। ठीक है, अभी देखिए ये है आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर ये ऊपर दिख रहा है, सबसे ऊपर यूरोप से ऊपर आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये अगर हम पैसिफिक महासागर से बात करें तो एक छोटी सी एक जल संधि है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पांच जो हमारे मेन ओशियंस थे उसके बारे में बात। ठीक है, ये देखो हमारा साउथर्न ओशियन आ जाता है और इसमें ही हमारा जो साउथर्न ओशियन में आर्कटिक ओशियन आ जाता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे मेनली हाइड्रोस्फीयर के हमने वाले मीनिंग समझा। देन उसके बाद हमने ये अपने पांच जो मेन ओशियंस हैं जहाँ से सीटेट के पेपर में तो क्वेश्चन जो है वो आता ही ऑलमोस्ट, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आया है कि आर्कटिक जो महासागर है और जो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन है वो दोनों जो है आपस में कौन सी स्ट्रेट यानी जल संधि से जुड़े हुए हैं, तो उसका आंसर है बेरिंग। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बार पढ़ा है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने ये जो मैंने मेन मेन फीचर्स बताए हैं ये आपको याद रखने। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़।